देश के बड़े हिस्से में सूखे के हालात पर आईबीएन 7 पर हमने खास सीरीज शुरू की है। सीरीज में हम आपको सूखे से जूझ रहे लोगों से मिलवाएंगे, उनके हालात को दिखाएंगे आपको। आज बात होगी उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के करीब 3 दर्जन जिलों में कम बारिश के चलते सूखे जैसे हालात पैदा हो गए हैं। धान की फसल सूखने की कगार पर है और फसलों को 50% से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। राज्य में औसत 60% से भी कम बारिश हुई है। ऐसे में किसान आसमान की तरफ टकटकी लगाए बारिश का इंतजार कर रहे हैं। आईबीएन 7 ने सूखे की मार झेल रहे किसानों के दर्द का जायजा लिया। बाराबंकी में रहने वाले सलीम के कुनबे में 8 लोग हैं, उनके बच्चे, बीवी और बूढ़ी माँ। इन सब की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर है। उनके पास महज 5 बीघा खेत है। एक हादसे में सलीम विकलांग हो गए थे, तब से उनकी माली हालत बेहद खराब है। सलीम की पिछली फसल भी ओले के चलते बर्बाद हो गई थी। उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाते। इस बार इस उम्मीद के साथ धान की फसल बोई थी कि अच्छी पैदावार हुई तो बच्चों को स्कूल भेज पाएंगे, लेकिन सूखे ने उनकी फसल बर्बाद कर दी। धान पूरी तरह सूख गया है। बेबस सलीम अब पूरी तरह हताश हो गए हैं। अब जो खेती का सहारा था वो भी गड़बड़ हो गया, और कोई साधन तो दूसरा है नहीं। हम तो विकलांग ही हैं, तो इसलिए दिक्कत तो है ही है सामने से। जो है क्या आपको उम्मीद थी कि फसल आएगी, तो कुछ सोचे थे? हाँ, फसल आएगी तो बच्चों का और बच्चों का पढ़ाई लिखाई का भी कुछ सहारा हो जाएगा। ये फसल ही नहीं हो पाई है पानी की वजह से, तो फिर क्या करें। ये कहानी सिर्फ सलीम की नहीं है। आईबीएन 7 की टीम जब बाराबंकी के गांवों में पहुंची तो ज्यादातर किसानों की हालत ऐसी ही थी। सूरतगंज के रहने वाले उमेश भी उनमें से ही एक हैं। उन्होंने किराए पर खेत लेकर धान की फसल बोई थी, इस उम्मीद के साथ कि अच्छी फसल होगी तो पक्का मकान बनवा पाएंगे, लेकिन सूखे ने उनकी भी कमर तोड़ दी। फसल बचाने के लिए उन्होंने मोटर पंप का सहारा लिया है, लेकिन इससे लागत काफी ज्यादा आ रही है। यह हालात करीब 36 जिलों में है। लखनऊ, अमेठी, कानपुर, आगरा, पीलीभीत, महाराजगंज, औरैया, मैनपुरी, हमीरपुर, चित्रकूट, उन्नाव, देवरिया, ललितपुर, संत कबीर नगर, मऊ, रामपुर, फरुखाबाद, हाथरस, इलाहाबाद, झांसी, एटा, गोरखपुर, गाजियाबाद और जालौन में 40-8% बारिश हुई है, जबकि फतेहपुर, अम्बेडकर नगर, कौशाम्बी, कानपुर देहात, कुशीनगर, रायबरेली और महोबा में तो 40% से भी कम बारिश हुई है। यूपी सरकार ने सिंचाई के साधन मुहैया कराने की कोशिश की है, पर हालात सामान्य नहीं है। इस कारण सरकार की ओर से पूरे प्रबंध किए गए हैं और सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि किसानों के सिंचाई के लिए बिजली की भी कोई कमी न होने पाए, उसका प्रबंध भी हो रहा है। नहरों को पूरी कैपेसिटी के साथ चलाया जा रहा है और सरकार का पूरा प्रयास है कि किसी तरह से सूखे के कारण किसानों की फसल नुकसान नहीं हो। गेहूं और आलू की फसल के दौरान भी कुदरत की बेरुखी के चलते किसानों का काफी नुकसान हुआ था। सरकार ने मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन अब भी ज्यादातर किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। तमाम किसानों ने कर्ज लेकर इस बार फिर फसल लगाई है, लेकिन मौसम ने इस बार भी साथ नहीं दिया और नतीजा खराब फसल के तौर पर सामने है। अन्नदाता फिर संकट में, पिछली बार बेमौसम बरसात ने उसकी उम्मीदें तोड़ी तो इस बार बारिश की कमी ने। सच तो ये है कि सरकार ने अगर बहुत जल्द एहतियातन कदम नहीं उठाए तो हालात बद से बदतर भी हो सकते हैं। अखिलेश रस्तोगी और मार्थम के साथ शलभ मणि त्रिपाठी, बाराबंकी, आईबीएन 7। और फसल खराब होने से परेशान किसानों के हालात जानने आईबीएन 7 की टीम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर और महाराष्ट्र के बीड जिले में पहुंची। हमारे संवाददाताओं ने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में किसानों का हाल जाना।